तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया और उसके बाद प्रधानमंत्री का वो बयान सामने आया और उसके बाद एक के बाद एक बयानों की झड़ी लग गई। आज जब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति से राजभवन में मुलाकात करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। तो ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर है। सुरक्षा में बड़ी चूक कल सामने आई थी और उसके बाद जो बयानों की झड़ी लगी वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो बयान दिया कि मुख्यमंत्री से कहिएगा बस जान बच गई, उस बयान के अपने आप में कई मायने हैं। योगी आदित्यनाथ का भी उसको लेकर बयान आया कि पूरी जांच होनी चाहिए। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुलाकात के दौरान की यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं पंजाब में बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर भाजपा उग्र नजर आ रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर सियासत वहां पर गर्म हो रही है। जहां उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस भवन के सामने उग्र प्रदर्शन किया, तो वहीं विकास नगर में भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार का पुतला जलाया और विरोध दर्ज कराया। इससे अलग मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर महामृत्युंजय का जाप भी कराया। अब देखिए तीन अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया है, प्रदर्शन वहां पर किया गया। देखिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है इनको रोकने के लिए, पहली तस्वीर आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर, पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। विकास नगर की यह तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं। और तीसरी और आखिरी तस्वीर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पूजा रखी है। महामृत्युंजय का पाठ प्रधानमंत्री मोदी के लिए कराया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, लगातार भाजपा की ओर से उग्र प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूजा की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। काशी कोतवाल के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और पंजाब सीएम चन्नी से इस्तीफे की मांग की। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भाजपा नेताओं की ओर से लगातार अपना विरोध जताया जा रहा है, नाराजगी गुस्सा जताया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काल भैरव मंदिर की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूजा भी की गई और पंजाब सरकार के लिए लगातार इस्तीफे की मांग पंजाब के मुख्यमंत्री की गई है।